अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इट इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, एंड इट्स टाइटल इज सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड first topic of this chapter, and that was condition of Muslims after the war of independence, aur uske andar humne social, educational, economic condition of Muslims ko discuss kiya tha ki war of independence 1857 ke baad jo hai musalmanon ko kis tarike se jo hai nuksan pahunchaya gaya from British government and the Hindus as well, theek hai। और इसके बाद हमारा आज का जो नया टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, अब ये जो टॉपिक है इसमें एक्चुअली सर सैयद अहमद खान का जो रोल था मुसलमानों के लिए आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को दोबारा से जो है अपनी खोई हुई इज्जत और वकार को बहाल करने के लिए कोशिशें शुरू की थी, उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम भी था। सो इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886 टू डेवलप डिवोशन फॉर एजुकेशन। Sir Sayyid was its finance secretary. Its annual meeting were being held in different cities. Okay, हमने previous lecture, previous chapter में भी Sir Sayyid के role को थोड़ा discuss किया था कि उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को जो है मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की थी, और इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान हैं, ठीक है, और उनकी कोशिशों के बारे में जिक्र है कि उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को एजुकेशनली और पॉलिटिकली जो है दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। सो उसमें एक कोशिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कयाम भी था, और सर सैयद अहमद खान ने ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुसलमानों के अंदर जो है एजुकेशन के लिए डिवोशन पैदा करने और मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम हासिल करने की तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और इसका एनुअल जो मीटिंग थी वो हर साल हुआ करती थी मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जो थे वो इसके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और जो है इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। Its need was felt demanded by Muslim leaders to consider the educational proposals. अब मुसलमानों को एजुकेट करने का प्लान तो सर सैयद अहमद खान का था, लेकिन उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए या क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार करनी चाहिए जिससे मुसलमानों को एजुकेट किया जा सके, अंग्रेजी तालीम की तरफ उनको अट्रैक्ट किया जा सके, रागिब किया जा सके, तो उसके लिए डिफरेंट प्रपोजल्स चाहिए थे। और उनका जो टीम थी उस वक्त जो काम कर रही थी सर सैयद अहमद खान के साथ, जिनमें जो लीडर्स हैं उसका हम बाद में जिक्र भी करते हैं, तो उनकी तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी इस कॉन्फ्रेंस के कयाम का डिमांड सामने आई थी, ताकि जो है इसकी मीटिंग्स के अंदर जो है एजुकेशनल प्रपोजल्स को डिस्कस किया जा सके, ठीक। सो अब बात करते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल की। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैड नो पॉलिटिकल पार्टी, देयरफॉर व्हेनेवर द मीटिंग ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड द डेलीगेट्स यूज्ड टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड टू सीक देयर सॉल्यूशन। ओके, उस वक्त तक यानी 1857 या 1886 तक जो है मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और मुसलमानों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की भी जरूरत थी, तो इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुसलमानों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी मिल गया था, जिसमें होता ये था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर
तमाम इंडिया से मुख्तलिफ जगहों से लोग आया करते थे और एनुअली इसकी मीटिंग हुआ करती थी और उस मीटिंग में बहुत दूर से लोग आते थे, हर इलाके से तकरीबन इंडिया के जो है यहाँ पर लोग पहुंचा करते थे और वो अपने एजुकेशनल प्रपोजल्स दिया करते थे इस मीटिंग के अंदर, और ये बहुत बड़े जलसे की सूरत में हुआ करती थी। तो इसमें ये था कि वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपने इलाके के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते थे, और यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो तमाम मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर इस बात पे मशवरे किया करते थे या एक दूसरे को सजेशंस दिया करते थे कि किस तरह से हमें नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी इख्तियार करनी है, वो भी उन कंडीशंस में जबकि अंग्रेज हुकूमत की तरफ से भी और यहाँ की सबसे बड़ी मेजोरिटी हिंदूज की तरफ से भी मुसलमानों के राइट्स की को नहीं माना जा रहा, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका जो एनुअल मीटिंग हुआ करती थी वो ना सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए थी बल्कि साथ ही साथ वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस कॉन्फ्रेंस को यूज करते थे, ठीक है। और डेलीगेट्स आया करते थे ऑल ओवर द इंडिया से, डेलीगेट्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मुख्तलिफ लोग जो हैं इकट्ठे होकर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को पेश करते थे और उनका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश की जाती थी। ओके, इन दिस कनेक्शन नवाब मोहसिनुल मुल्क, नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी एंड मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली वर द लीडिंग फिगर्स। अच्छा, जिनका मैंने आपको जिक्र किया था कि सर सैयद अहमद खान की बाकायदा एक टीम थी और उन्होंने टीम वर्क के जरिए मुसलमानों के लिए कोशिशें शुरू की थी, तो उस टीम के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे वो नवाब मोहसिनुल मुल्क थे, नज़ीर अहमद थे, शिबली नुमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि सर सैयद अहमद की कोशिशों में मुसलमानों के लिए की गई कोशिशों में पेश थे, ठीक है। दे प्रोटेक्टेड द मुस्लिम राइट्स, उन्होंने मुसलमानों के हकूक की भी हिफाजत की, बाय एंड बाय दे सजेस्टेड टू प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग टू द मुस्लिम, और उसके साथ साथ मुसलमानों को मिलिट्री ट्रेनिंग की भी सजेशंस पेश की गई कि मुसलमानों को जो है अपनी हिफाजत के लिए ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना आए, क्योंकि उस दौर में अंग्रेज और हिंदू तमाम लोग ही जो हैं वो मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन हुआ करते थे। सर सैयद एस्टैब्लिश दिस फीलिंग दैट मुस्लिम्स शुड नॉट अपोज द ब्रिटिश, और सर सैयद अहमद खान का जो बेसिक जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था वो ये था कि मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में जो है मुफाहमत पैदा की थी, उनको एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ लेकर गए थे, और उन्होंने मुसलमानों के अंदर ये फीलिंग डिवेलप की थी कि वो अंग्रेजों को फिलहाल जो है वो अपोज ना करें, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज ना करें, उसकी मुखालफत ना करें, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उसमें मुसलमान काफी वीक हो चुके हुए थे और इस सूरत में वो ब्रिटिशर्स की जो मुखालफत है वो मोल नहीं ले सकते थे। सो उन्हें अपने आप को स्टैंड देने की जरूरत थी और जो है अपने आप को पहले अपनी कंडीशन को बेहतर बनाने की जरूरत थी। सो द ब्रिटिश स्टार्टेड पैट्रोनाइजिंग मुस्लिम्स, इन दिस वे मोस्ट ऑफ द मूवमेंट सक्सीडेड। अच्छा, और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भी मुसलमानों पे अपना रोब और दबदबा रखना शुरू कर दिया था और उसको भी कम किया गया, और फिर जो है साथ ही साथ इस तरीके से बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गई और मुसलमानों के लिए जो हालात हैं वो थोड़े फेवरेबल होना शुरू हो गए। सो बेसिकली मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल जो है वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना और उनके लिए सॉल्यूशंस इकट्ठे करना था, ठीक है। और इसकी एनुअल मीटिंग हुआ करती थी और ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1886 में इसको कायम किया गया था, और ऑल ओवर द इंडिया तमाम लोग जो हैं बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे और अपनी सजेशंस दिया करते थे और सॉल्यूशंस भी हासिल किया करते थे। ओके, यही आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है,
और वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लर्न भी करना है और राइट भी करना है, यही आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज।